सर्वेभ्यो नमो नमः मम नाम डॉक्टर लूनेश कुमार वर्मा व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छछानपैरी मध्ये अहम रूपेण पदस्थस्में प्यारे बच्चों आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा दसवीं यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ का जैसा कि आप सभी जानते हैं रामायण और महाभारत ये दोनों उपजीव्य काव्य कहे गए हैं इन्हें उपजीव्य काव्य क्यों कहा जाता है इस विषय में आप सभी जानते हैं क्योंकि ये वे आधार ग्रंथ हैं जिनके आधार पर अनेक कथाएं, अनेक रचनाएं पूरे विश्व में चल रही हैं तरह तरह की कथाएं, कथा कहानियाँ उपकथाओं का संयोजन इन दोनों महाकाव्यों में हुआ है और इस कारण से और इसके आधार पर अनेक ग्रंथों की रचनाएं भी हुई हैं इसलिए भी इन्हें उपजीव्य काव्य कहा जाता है तो रामायण और महाभारत से संबंधित तरह तरह की कथाएं उपकथाएं लोक संसार में लोक व्यवहार में आज भी प्रचलित हैं वैसे ही एक कथा प्रचलित है यक्ष युधिष्ठिर संवाद आप सभी जानते हैं जब हम इन कथाओं की बात करते हैं लोक परंपराओं की बात करते हैं तो लोक परंपराओं में देव दैत्य दानव राक्षस यक्ष गंधर्व अप्सरा पिसाच भूत प्रेत आदि इनमें से अधिकतर सूक्ष्म व परारूपधारी होते हैं अर्थात ये साक्षात दिखाई नहीं देते हैं लेकिन हाँ इनके अस्तित्व का अनुभव समय समय पर विभिन्न लोग करते रहे हैं आज भी कहीं कहीं इनके अस्तित्व का साक्षात्कार कुछ लोगों के द्वारा किए जाने की घटनाएं सामने आती हैं तो ऐसी ही एक घटना का संबंध महाभारत से है जिसमें जब पांडवों को बारह वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास कौरवों के द्वारा दिया गया था उस समय जब पांडव वन में भटक रहे थे और उन्हें बहुत प्यास लगी तब उनमें से सबसे छोटा आप सभी जानते हैं पांडव जो है पांच भाई युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल और सहदेव तो जब प्यास बहुत जोरों से लगी तब उनमें से सभी भाई जो है पानी की तलाश में इधर उधर जाते हैं और एक स्थान पर बड़े बड़ी बड़ी झाड़ियाँ दिखाई दीं तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो वहाँ कोई सरोवर या तालाब है अर्थात जल स्रोत है तो वहाँ जल लेने के लिए सहदेव जाता है लेकिन सहदेव थोड़ी देर बाद भी जब वापस नहीं आता है तब दूसरा भाई तीसरा भाई चौथा भाई ऐसा करके सभी वहां जाते हैं लेकिन कोई भी वापस नहीं आता तब युधिष्ठिर स्वयं उस दिशा में जाते हैं जिस दिशा में वो झाड़ियां दिखाई दे रही थी जहां सरोवर होने का अनुमान लगाया गया था वहां जाकर वे देखते हैं तो उनके चारों भाई वहां अचेतावस्था में पड़े हुए हैं अब उनको अचेत अवस्था में देखकर युधिष्ठिर कुछ सोचने लगते हैं और तभी उन्हें वहां एक यक्ष जो वहां परारूपधारी थे, थे दिखाई नहीं दे रहे थे उनकी आवाज सुनाई युधिष्ठिर के कानों में पड़ी अर्थात अदृश्य शक्ति की आवाज जो है युधिष्ठिर के कानों में पड़ी तब उस अदृश्य शक्ति की जो आवाज थी जो दिखाई यहाँ वहाँ घूम कर देखने पर कहीं कोई दिखाई नहीं दे दे रहा था लेकिन आवाज़ बराबर आ रही थी और उन्होंने कहा कि मैं यक्ष हूँ सबसे पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो तब इस सरोवर का जल ग्रहण कर सकते हो तुमसे पहले ये तुम्हारे भाई यहाँ आए थे उनसे भी मैंने यही कहा कि पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो फिर सरोवर का जल ग्रहण करना लेकिन वे मेरी मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिए और जल पीने के लिए आगे बढ़ गए अंततः वे अचेत हो गए हैं मूर्छित हो गए हैं और यहाँ सामने देख रहे हुए पड़े हुए हैं यदि तुम भी मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना सरोवर का जल पान करने के लिए आगे बढ़ते हो तो तुम्हारी भी यही दशा हो सकती है युधिष्ठिर सरोवर के जल को देखते हैं अचेत भाइयों को देखते हैं फिर उस अदृश्य शक्ति को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि आपको जो प्रश्न करना है प्रश्न कीजिए यथा संभव मैं अपनी बुद्धि अनुसार उत्तर देने का प्रयास करूंगा तो इस तरह से यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं और युधिष्ठिर उनका क्रमशह उत्तर देते जाते हैं तो इस तरह से प्रश्न और उत्तर का यह जो क्रम चला यही जो है यक्ष युधिष्ठिर संवाद के नाम से जाना जाता है यह जो अंश हमारे सामने है इसमें यक्ष विभिन्न श्लोकों के माध्यम से युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं और युधिष्ठिर भी उन्हीं की भाषा में उन्हें श्लोक के माध्यम से उत्तर देते हैं तो उन श्लोकों का संग्रहण इस पाठ में किया गया है तो आइए उन श्लोकों को सबसे पहले हम सुनते हैं यक्ष युधिष्ठिर संवाद प्रस्तुत अवतरण महाभारत से लिया गया है जिसकी रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं महाभारत एक लाख श्लोकों में निबद्ध है अतः इसे सत साहस्री संहिता भी कहते हैं एक बार अज्ञातवास के समय घूमते हुए पांडवों को व्यास लगी तब नकुल जल की तलाश करते हुए एक जलाशय के पास पहुंचे किंतु यक्ष ने पानी पीने से मना कर दिया उन्होंने कहा मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के पश्चात ही पानी पी सकते हैं पिपासा कुल नकुल एवं अन्य भाई बिना उत्तर दिए पानी पिए और मृत्यु को प्राप्त हुए युधिष्ठिर ने धैर्य पूर्वक यक्ष के प्रश्न का उत्तर दिया प्रस्तुतांश में यक्ष के प्रश्न और उत्तर युधिष्ठिर के हैं सभी प्रश्नोत्तर लोकोपयोगी है आइए श्लोकों को देखते हैं केन स्विच चोत्रयो भवति केन स्विच्छोत्रयो भवति केन स्वित्विन्दते महत केना द्वितीयवान भवति राजन केन च बुद्धिमान श्रुतेन श्रोत्रयो भवति तपसा विन्दते महत धृत्या द्वितीयवान भवति राजन बुद्धिमान वृद्ध सेवया किम सिद्ध गुरु तरम भूमे किम स्वीदुच्च तरम चखात किम स्वीघ्र तरम वायो किम सिद्ध बहुतरम त्रिनात माता गुरु तरा भूमे खादप्युच्च पिता मन शीघ्रतर वाता चिंता बहुतरी तृणा धान्यानामुत्तम किं स्विद्धनानां स्यात् किं उत्तमं लाभानामुत्तम किं स्यात् सुखानां स्यात् किं धन्यानामुत्तमं दाक्ष्यं धनानामुत्तमं श्रुतं लाभानामुत्तमं श्रेयः सुखानां तुष्टिरुत्तमा केन स्विद्दावृत्तो लोकः केन स्विन्न प्रकाशते केन त्यजेत् मित्राणि केन स्वर्गं न गच्छति अज्ञानेनावृत्तो लोकस्तमसा न प्रकाशते लोभात् त्यजति मित्राणि सङ्गात् स्वर्गं न गच्छति तपः किं लक्षणं प्रोक्तं कोदमश्च प्रकीर्तितः क्षमा च का परा प्रोक्ता का ची परिकीर्ति तपस्व धर्म वर्ति मनसो द्वन्द सहिष्णुत्व ह्री कार्य निवर्तन प्यारे बच्चों ये इस पाठ के श्लोक हैं आइए इन श्लोकों के शब्दार्थ व भावार्थ को समझते हैं प्यारे बच्चों अभी हमने इस पाठ के अंश को देखा विभिन्न श्लोकों को सुना आइए अब इस पाठ के विभिन्न श्लोकों के शब्दार्थ को समझते हैं और भावार्थ को भी समझते हैं पहला श्लोक है केन् स्वित भवति भवती केन्त विंदते केनाद्वितीयवान भवति राजन केन चुद्धिमान तो इस तरह से यक्ष जो है अपना प्रश्न युधिष्ठिर के समक्ष उपस्थित करते हैं यक्ष ने युधिष्ठिर से क्या प्रश्न किया उनको समझने का प्रयास करेंगे लेकिन इससे पहले आइए श्लोक में जो कठिन पद हैं उन कठिन पदों को हम देखते हैं लिखा है केन भवती इतना यह जो पद है यह संधि युक्त पद है इन संधि युक्त पदों को हम अलग करें तो हम पाते हैं केन धन स्वित धन श्रोत्रिय धन भवती तो केन स्वित धन श्रोत्रिय यहाँ पर व्यंजन संधि का योग हुआ है और श्रोत्रिय धन भवती यहाँ पर विसर्ग संधि का योग हुआ है इसी तरह से हम देखते हैं केन स्वित विंदते यहाँ केन स्वित धन विंदते यहाँ पर भी व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है ऐसे ही नीचे की जो पंक्ति है उसमें हम देखते हैं केनाद्वितीयवान भवती इस पद को हम देखें तो यहाँ भी संधि है संधि को अलग करते हैं केन धन अद्वितीयवान धन भवती तो केन धन अद्वितीयवान यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है और अद्वितीयवान धन भवती यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है यह जो विभिन्न पद हैं जैसे हम केन कहते हैं केन जो है किन केन किम शब्द का रूप है तृतीय विभक्ति एक वचन का यह रूप है और इसका तात्पर्य होता है कि इसके द्वारा तो तृतीय विभक्ति तृतीय विभक्ति में आप जानते हैं यहां करण कारक होता है और यहां पर से और के द्वारा इस कर्ता कारक का प्रयोग किया जाता है आ, कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो यहां पर केन तृतीय भक्ति एक वचन है और कीम का रूप है इसलिए इसका तात्पर्य होगा कि इसके द्वारा और स्वित यह जो है एक अव्यय पद है जैसे हम निपात कहते हैं निपात जो होते हैं ये विशेष अर्थ देने वाले जो अव्यय पद होते हैं जिनका स्वरूप नहीं बदलता है और ये इनके प्रयोग से वाक्य में विशेष बल का योग होता है उन अव्यय पदों को निपात कहा जाता है तो स्वित जो है इसी तरह का एक निपात वाचक अव्यय पद है स्विद जो शब्द है यह स्विद धन क्विप प्रत्यय के योग से बनता है और यह प्रश्नवाचक अव्यय पद है परिक्षा परक निपात जो पूछने के अर्थ में प्रश्न के अर्थ में हो या संदेह या आश्चर्य प्रकट करने हेतु तो इसका प्रयोग किया जाता है किम हे ए हा ओ हो इस प्रकार की ध्वनि आदि के लिए इस प्रकार की ध्वनि आदि जिससे आश्चर्य आदि की अभिव्यक्ति होती है इसके लिए स्विद निपात वाचक अव्यय पद का प्रयोग किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम पदों के साथ जो प्रश्नवाचक सर्वनाम पद होते हैं जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं केन सर्वनाम वाचक अव्यय पद है इसके साथ में इसका योग हुआ है तो इसी तरह से सर्वना सर्वनाम वाचक अव्यय पदों के साथ इस अव्यय का योग होता है कभी कभी पृथक रूप से या स्वतंत्र रूप से यह अथवा अर्थ को भी प्रकट करता है और साथ ही कभी कभी नु उत वा आदि के साथ युक्त होकर आहो इति आश्चर्यबोधक अर्थ भी देने लगता है तो इस तरह से यह जो स्विद निपातवाचक अव्यय पद है इसका प्रयोग इन विभिन्न अर्थों में होता है यह सामान्य अव्यय पद नहीं है इसका प्रयोग जैसे हम महाभारत में देख रहे हैं इसी तरह के और भी जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें इनका प्रयोग देखने को मिलता है स्रोत्रियो श्रोत्रियों का तात्पर्य होता है, स्रोत्रियो जो लिखा है क्या है श्रोत्रिया है इसका रूप बनता है श्रोत्रिया किसको कहते हैं श्रोत्रिया मतलब जिसको सुना गया हो अर्थात जो वेद हैं उनको सुना गया है तो उससे कहा जाता है श्रोत्रियो अर्थात वेदों का विद्वान जिन्होंने वेदों को सुना हो जो वेदों में निष्णात हो जो वेद पाठ में पारंगत हो जो वेदांत को जानता हो या वेदार्थ को जानता हो वो कहलाता है स्रोत केन स्वित विंदते महत महत मतलब होता है उदारता या बड़प्पन और विंदते विंद धातु है लटलकार आत्मनिपद प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप है विंदते और इसका तात्पर्य होता है प्राप्त करता है अद्वितीयवान अर्थात अद्वितीय भवती होता है राजन मतलब हे राजन केन मतलब किसके द्वारा च यह अव्यय पद है और इसका तात्पर्य होता है और अबुद्धिमान मतलब बुद्धिमान अर्थात कौन जो है किस से बुद्धिमान बनता है तो ये श्लोक में जो कठिन पद आए हैं उनको हमने सरल रूप में देखा और साथ ही जो विभिन्न शब्द प्रयुक्त तो हुए हैं उनका शब्दार्थ हमने देखा आइए इसके आधार पर इसका भावार्थ क्या होगा ये देखते हैं केन सिद्ध क्षोत्रियों भवती अर्थात अच्छा यहाँ पर राजन यह अंतिम पद में प्रयुक्त तो हुआ है इसका प्रयोग प्रारंभ में होगा जब हम भावार्थ की बात करेंगे तो यक्ष अच्छा जो है युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं हे राजन केन श्रि भवती किसके द्वारा मनुष्य वेदों का विद्वान होता है केन स्वित विंदते महत हे राजन किसके द्वारा मनुष्य उदारता या बड़प्पन को प्राप्त करता है केना वान भवती हे राजन किसके द्वारा मनुष्य अद्वितीय होता है केन च बुद्धिमान और हे राजन किसके द्वारा मनुष्य बुद्धिमान बनता है इस तरह से एक श्लोक में यक्ष ने युधिष्ठिर से चार प्रश्नों का समायोजन करते हुए वे प्रश्न युधिष्ठिर के समक्ष रख दिए युधिष्ठिर धैर्यशाली थे बुद्धि बल से युक्त थे तो सभी प्रश्नों को उन्होंने धैर्य से सुना और फिर अपनी मति के अनुसार अपनी बुद्धि के अनुसार विनम्रता, पूर्वक यक्ष के प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया क्या उत्तर दिया आइए अगले श्लोक में देखते हैं युधिष्ठिर यक्ष को श्लोक के माध्यम से उत्तर देते हुए कहते हैं क्या कहते हैं श्रुतेन नोत्रियो भवति तपसा विंदते महत् धृत्याय भवति राजन बुद्धिमान वृद्ध सेवया इस तरह से इस श्लोक में यक्ष के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर युधिष्ठिर ने बड़ी सरलता और सहजता से विनम्रता पूर्वक दिया वे कहते हैं श्रुतेन श्रुत कहा जाता है वेद को वेद को श्रुत क्यों कहा जाता है यह भी एक प्रश्न है प्राचीन काल में जब लेखन की परंपरा नहीं थी तब गुरुकुल में जो आचार्य होते थे वे अपने शिष्यों को मौखिक शिक्षा दिया करते थे अर्थात गुरु बोलते जाते थे और शिष्य उसको सुनकर यथावत ग्रहण करते जाते थे ऐसे ही वेदों की परंपरा रही है वेदों को अपरु अपौरुषय ग्रंथ भी कहा जाता है क्यों क्योंकि इसकी रचना किस पुरुष के द्वारा की गई है यह भली भांति अभी तक जाना नहीं जा सका है अर्थात वेद तो है रचना भी हुई है लेकिन किसके द्वारा किया गया है मनुष्यों के द्वारा किया गया है आचार्यों के द्वारा किया गया है ऋषियों के, के द्वारा किया गया है कि जो देवताओं के द्वारा किया गया है इसके विषय में स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है लेकिन हाँ भारतीय परंपरा में वेदों की रचना तो हुई है इसलिए चूंकि इसके रचयिता कौन है इसका भली भांति ज्ञान नहीं इसलिए इसको अपौरुषेय ग्रंथ भी कहा जाता है तो उन वेदों का अध्ययन गुरु के मुख से कहा जाता था गुरु के द्वारा शिष्यों को बोलकर अध्ययन कराया जाता था और शिष्य उनको सुनकर ग्रहण करते थे कालांतर में वे शिष्य जब गुरु पद प्राप्त करते थे तो अपने शिष्यों को भी वैसे ही मौखिक परंपरा से या कहें कि श्रुत परंपरा से वेदों का ज्ञान कराते रहे इसीलिए वेद को श्रुत भी कहा जाता है इसलिए युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं श्रुतेन श्रोत्रियो भवती वेद से श्रोत्रियो भवती अर्थात वेदों का विद्वान होता है अर्थात सुनने से या कहें कि वेदों को सुनने से या वेदों के ज्ञान से मनुष्य विद्वान होता है तपसा विंदते महत तपस्या से तपसा तपस मूल शब्द है तृतीय भक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है और इसका तात्पर्य होता है तपस्या से तपसा विंदते महत तपस्या से मनुष्य उदारता या बड़प्पन को प्राप्त करता है धृत्याद्वितीवान भवती यहां पर यह संधि पद है इसको आप अलग कर लीजिए अलग कैसे करेंगे धृत्या धन अद्वितीवान धन भवती धृत्याधन अद्वितीवान यहां पर दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है और इसी तरह से अद्वितीवान धन भवती यहां पर व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है धृत्या का मतलब होता है धैर्य से धृति मूल शब्द है तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है और इसका तात्पर्य हुआ धैर्य से तो धृत्या वान भवती धैर्य से व्यक्ति अद्वितीय होता है एवं बुद्धिमान वृद्ध सेवया वृद्ध सेवया वृद्धों की सेवा से वृद्धाणाम सेवया इति वृद्ध सेवया यहां षठी तत्पुरुष समाज का प्रयोग हुआ है तो वृद्धों की सेवा करने से बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान होता है तो इस तरह से राजन तो जिस तरह से राजन का संबोधन यक्ष ने युधिष्ठिर के लिए किया उसी तरह से युधिष्ठिर जब यक्ष को अपना उत्तर देते हुए कहते हैं तब वो कहते हैं चतुर्थ पंक्ति में हमको दिख रहा है राजन तो हे राजन अर्थात हे महात्मन आप जो भी हैं आपके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर में दे रहा हूं तो कहते हैं हे राजन मनुष्य वेद ज्ञान से वेदों का विद्वान होता है तपस्या से उदारता या बड़प्पन को प्राप्त करता है धैर्य से वह अद्वितीय होता है और वृद्धों की सेवा करने से मनुष्य बुद्धिमान बनता है इस तरह से यक्ष के द्वारा किए गए सभी प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर युधिष्ठिर ने दिया आइए अगला श्लोक देखते हैं अगला श्लोक अगले श्लोक में यक्ष युधिष्ठिर से पुनः प्रश्न करते हुए कहते हैं वे कहते हैं किम सिद्ध गुरुतरम भूमे किम किम सिद्ध चखात किम स्विशीघ्रतरम वायो किम स्विद इस तरह से पुनः श्लोक की भाषा में युधिष्ठिर से यक्ष जो है प्रश्न करते हैं आइए अभी श्लोक के माध्यम से जो प्रश्न किया गया उसको हम समझते हैं श्लोक में जो पद दिए हैं उन पदों को देखते हैं हम देखते हैं किम स्विद उच्चतरम इसको हम देखें तो यहाँ पर संधियां हैं उनको अलग अलग करते हैं किम धन स्वित धन उच्चतरम तो इस तरह से इसको हम अलग अलग करेंगे किम धन स्वित कहते हैं यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है और इसी तरह से स्वित धन उच्चतरम कहते हैं यहाँ भी व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है उच्चतरम कहते हैं इसमें उच्च धन तरप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो इस तरह से वो शब्द बनता है उच्च तरम नपुंसकलिंग एक वचन में यह रूप बनता है किम स्वित तरम इस पद के संधियों को हम अलग करते हैं यहां भी हम देखें तो किम धन स्वित धन शीघ्र तरम तो किम धन स्वित यहां व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ स्वित धन शीघ्र तरम यहां भी व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है इसी तरह से शीघ्र तरम यह शब्द है शीघ्र तरम यह जो शब्द है इसके इसका निर्माण कैसे हुआ शीघ्र धन तरप प्रत्यय के योग से शीघ्र तरम बनता है नपुंसक लिंग एक वचन का यह रूप है वायोह मूल शब्द है वायु पंचमी भक्ति एवं षष्ठी भक्ति में इसका रूप बनता है वायोह तो यहां पर जो प्रयोग हुआ है वह पंचवी भक्ति का है पंचमी भक्ति एक वचन का यह रूप है किम स्वित किम धन इति किम स्वित यहाँ भी व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है ऐसे ही बहुतरम बहु धन तर प्रत्यय के योग से बनता है बहुतरम त्रिनाथ त्रिन मूल शब्द है पंचमी भक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है इसका तात्पर्य होता है तृण से या तृण का तात्पर्य होता है घास घास से त्रिनाथ का तात्पर्य क्या हुआ घास से तो किम सिद्ध गुरुतरम भूमे भूमेह जो कह रहे हैं यह शब्द कैसे बनता है भूमि मूल शब्द है पंचवीभक्ति और ष्ठी भक्ति में एक वचन में भूमि शब्द का रूप बनता है भूमे तो यहां पर जो भूमेह प्रयोग हुआ है यह पंचवी भक्ति एक वचन का रूप है गुरुतरम इस शब्द का निर्माण गुरु धन तरप प्रत्यय के योग से बनता है तरप और तमप इन दोनों प्रत्ययों का योग तुल्य अर्थ में अर्थात श्रेष्ठता दिखाने के अर्थ में किया जाता है जैसे हम अंग्रेजी में इसी को डिग्री के नाम से जानते हैं तो यहाँ जब किसी को किसी से बढ़कर बताना हो या एक वस्तु के दुलने, दूसरे वस्तु के साथ तुलना किया जाना हो या एक वस्तु से दूसरे को श्रेष्ठ दिखाना हो या उसको कम दिखाना हो तब यहाँ पर तुल्यार्थक जो प्रत्यय हैं तरप और तमप इसका प्रयोग किया जाता है यहाँ हम विभिन्न शब्दों में देखते हैं जैसे गुरुतरम शीघ्रतरम तरम, तरम उच्चतरम बहुतरम इन पदों में तरप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर तुलना किया गया है बताया गया है कि कौन किससे बढ़कर है अर्थात बड़ा कौन है तो दो चीजों में जब इस तरह की बातें की जाती है तुलना की बातें कही जाती है तब वहां तरप और तमप प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाता है आइए श्लोक के शब्दार्थ देखते हैं तो गुरुतरम मतलब बढ़कर भूमे भूमि से उच्चतरम बढ़कर खात ये शब्द कैसे बना ख का तात्पर्य होता है नभ या आकाश और उस ख शब्द में पंचमी व्यक्ति एक वचन का यहां प्रयोग हुआ है और इस तरह से उसका तात्पर्य होता है ख से अर्थात नभ से या आकाश से शीघ्रतरम मतलब तेज वायु वायु से बहुतरम बहुतायत या बढ़कर तृणात् मतलब त्रिन से या घास से प्यारे बच्चों शब्द के जो कठिन पद है उनको हमने देखा उनका निर्माण कैसे हुआ इसका अध्ययन किया शब्दार्थों को देखा आइए अब इसके आधार पर इस श्लोक का भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं गुरुतरम गुरु बढ़कर या बड़ा या भारी किम स्विद क्या है खात और आकाश से ऊंचा क्या है किम स्वित शीघ्र तरम और वायु से तेज चलने वाला या तीव्रगामी क्या है किम स्व बहुतरम तृणात् और क्या है जो तृण अर्थात घास से भी बहुतायत में है या अधिक मात्रा में है तो ऐसा यक्ष जो है धृष्टिर से श्लोक के माध्यम से विभिन्न प्रश्न पूछते हैं इस श्लोक से संबंधित कुछ प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं एक तो जो कठिन पद हैं जो संधि युक्त पद हैं उनमें से संधि अलग करने के लिए कहा जा सकता है जो प्रत्यय युक्त पद हैं उन प्रत्ययों को अलग करने के लिए कहा जा सकता है जो विभिन्न शब्द प्रयुक्त हुए हैं उन शब्द रूपों के विभक्ति एवं वचन व अर्थ को पूछा जा सकता है इसके अलावा कुछ शब्द हैं जिसके पर्याय भी पूछा जा सकता है या विलोम भी पूछा जा सकता है जैसे पवनात पवनात इति पदस्य अर्थे श्लोक के किम पदम प्रयुक्तम अर्थात पवन के से पवनात पवन से के अर्थ में श्लोक में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है पवनात इत्यर्थे अस्मिन् श्लोके प्रयुक्त पदम अस्ति वायो वायु में पंचमी भ्यक्ति का प्रयोग हुआ है पवन में भी क्या हुआ है पंचमी भक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है तो इस तरह से पवन के अर्थ में वायु शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है दोनों में पंचमी भक्ति का योग हुआ है ऐसे ही पूछा जा सकता है पृथ्व्या अस्मिन् पदस्य से पर्याय पदम श्लोके किम पदम प्रयुक्तम अर्थात पृथ्वी से इस अर्थ में कौन से पद का प्रयोग इस श्लोक में हुआ है तो पृथ्व्याह के अर्थ में अर्थात पृथ्वी से के अर्थ में इस श्लोक में कौन सा पद प्रयुक्त तो हुआ है हाँ बिल्कुल सही भूमे अर्थात भूमि भूमि पृथ्वी को कहा जाता है इसी तरह से कहा जा सकता है नभात या आकाशात इति पदस्य पर्याय पदम श्लोक के किम पदम प्रयुक्तम अर्थात नभात नभ से आकाशात आकाश से इस पद के पर्याय पद के रूप में इस श्लोक में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है क्या प्रयुक्त हुआ है हाँ बिल्कुल सही कहा आपने तो यहाँ पर नभात या आकाशात शब्द के पर्याय के रूप में प्रयुक्त पद है खात क्यों क्योंकि ख का तात्पर्य होता है आकाश और जिस तरह से नभ या आकाश शब्द में पंचमी भक्ति का योग होने से नभात बनता है आकाशात बनता है इसी तरह से ख शब्द में पंचमी भक्ति का योग होने से खात शब्द बना है जो हमारे इस श्लोक में प्रयुक्त हुआ है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नभात या आकाशात इति पदस्य पर्याय रूपेण अस्मिन् श्लोके प्रयुक्त पदम अस्ति खात तो प्यारे बच्चों इस तरह से श्लोक से संबंधित तो विभिन्न प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं